स्वागत आप सबका। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में दिन भर क्या कुछ रहा, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। अलग अलग इलाकों के अंदर आज 25 लाख से ज्यादा वोटर्स जो इंतजार कर रहे थे कि 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो मतदाता अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्रों पर जब वो निकलेंगे तो क्या 25 लाख पूरे होंगे या इससे कम और ज्यादा, ये सारे डेटा और नंबर्स आपके सामने इस कार्यक्रम में आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के 6 अलग अलग जिलों के अंदर राजौरी, पुंछ, रियासी और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर और गांधरबल में आज दिन भर पोलिंग को लेकर क्या सरगर्मियां कहां पर रही, क्या एक्टिविटीज हुई, पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, वोटर जो एक लंबे समय के बाद 10 वर्षों के बाद बाहर निकला तो उसके मन में क्या था, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कश्मीर प्रांत के अंदर एक दो घटनाओं को छोड़कर जिनको बाद में सुलझा लिया गया, शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव दूसरे चरण का संपन्न हुआ। जबकि जम्मू प्रोविंस में आप देखेंगे पुंछ से एक दो जगहों से अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन बाद में कुछ एक समय जहां पर दिन भर बाद दोपहर पोलिंग रुकी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद सब कुछ ठीक कर लिया गया। उसके बाद से हमने देखा कि शाम होते होते नंबर्स भी बहुत सारे इलाकों से बहुत अच्छे आए। इस कार्यक्रम में जहां पर हम 3 जिलों की यानी राजौरी, पुंछ और रियासी की बात करेंगे, पीर पंचाल बेल्ट जो इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उन 8 सीटों और रियासी की 3 सीटों पर बात करेंगे। जबकि 15 सीटें जहां पर आज वोटिंग हुई है कश्मीर प्रांत के अंदर, एक एक करके उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन इसलिए भी सुर्खियों में रहा, न केवल चुनाव, 25,78,000 से ज्यादा वोटर्स जिनने वोट करना था, जो एलिजिबल वोटर्स थे इनमें से कितना कहां पर परसेंटेज निकल कर सामने आई है वो थोड़ी देर में एक एक करके आपके सामने रखेंगे। विशेष रूप से खास मेहमान जो जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पर या पॉलिटिकल सिनारियो, सिक्योरिटी सीक्वेंस पर नजर रखते हैं, उनकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को आगे में यहां से आगे ले जाने के लिए आशा सरमाल मेरे साथ रहेंगी, कुणाल गोस्वामी हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी मेरे साथ रहेंगे। इससे पहले हम चुनाव वाली खबरों पे जाएं कि दिन में क्या कुछ रहा। सबसे पहले बात, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी चर्चा में रहा, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश या दिल्ली के अंदर इस पर काफी ज्यादा चर्चा और विदेश की कई ताकतें जो जम्मू कश्मीर पर नजर रखी हुई थी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर यह है आशा, आज वो तमाम डेलीगेट्स जो इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में, दिन भर जो कुछ एक्टिविटीज हुई श्रीनगर से बडगाम और राजौरी पुंछ तक देखते रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो पॉजिटिवली आज गया है, क्योंकि जिस तरह से राजनायक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, प्रतिनिधि मंडल ने जिस तरह से दौरा किया, बूथ के अंदर पहुंचे और केंद्र के अंदर जब पहुंच कर उन्होंने लोगों से बातचीत की है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आज पहुंचा है। लेकिन सवाल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से उठाया गया, उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा सवाल उठाया गया कि आखिर अगर बाहर से लोग यहां पर डेलीगेट के तौर पर आ सकते हैं तो फिर मीडिया कवरेज के लिए लोग क्यों नहीं पहुंच सकते, ये बड़ी बात रही थी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के वोटिंग आज हुई है, मतदान के बीच में विदेशी राजनयिक कश्मीर पहुंचे थे और उद्देश्य आप देखिए मतदान का निरीक्षण करना था, विदेशी जो राजनयिक पहुंचे थे क्योंकि लाल चौक और अन्य इलाकों के अंदर ये विदेशी राजनयिक पहुंचे और उसके बाद आम जनता के साथ भी बातचीत करने की कोशिश की गई। पहली बार यहां गुलाबी मतदान केंद्र देखने को मिला और मतदान के बीच में विदेशी राजनयिक जो हैं वो कश्मीर पहुंचे थे। कुणाल, जो विदेशी राजनयिक है उनका साफ कहना है कि उद्देश्य जो था वो मतदान की प्रक्रिया को करीब से देखना था। अब लाल चौक और अन्य इलाकों की अगर बात की जाए तो तमाम जो अन्य भिन्न भिन्न देशों की कुछ 20 के आसपास डिप्लोमेट हैं, जिसमें अमेरिका के साथ 70 देश हैं, तस्वीरें आपके सामने, जब उन्होंने उत्सुकता जाहिर की, क्योंकि जब बात की जाती है हिंदुस्तान की तो ना सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हिंदुस्तान अपनी एक पहचान रखता है। और इतने बड़े लोकतंत्र में जब चुनाव संपन्न कराने की बात हो, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त माहौल में, तो ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में जटिल बन जाती है, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी होती है। लिहाजा समय समय पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बने हैं, लेकिन आज जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ, उसके बाद अपने आप में यह तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर विदेशी जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने आकर खुशी जाहिर की, उत्सुकता जाहिर की कि इतने सारे लोग एक साथ एक दिन में अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी वो वोट की ताकत जो 10 साल बाद उन्हें एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे ले जा रही है, तो अपने आप में ये गौरवान्वित कर देने वाला पल बन जाता है। तो आज ये है, तमाम जो डेलीगेट्स थे यूरोप से, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, इन लोगों को
लाल चौक और आसपास के इलाकों में ले जाया गया, प्रशासन साथ था। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बताया जा रहा था कि क्या कहां पर किया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जाते वक्त इन्होंने रिएक्शन दिया है कि उन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर ये देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो पिंक पोलिंग बूथ होता है ये भी कोई इस तरह की चीज होती है जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है। देखिए, अगर आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था तब भी अपने आप में एक बड़ी खबर ये थी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, और उसकी मिसाल बाद में हमने देखा कि मुख्तलिफ देशों के अंदर उस कमीशन के पैटर्न पर अपने अपने देशों में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया और उसी तरीके के इख्तियारात और जो पावर्स है वो उन्हें दिए गए ताकि वो अकॉर्डिंगली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। और हर बार हम देखते हैं कमीशन जब भी चुनाव करता है, जिस भी रियासत के अंदर चुनाव करता है, तो कुछ नई एड ऑन चीज़ें होती है। जैसे दो तीन चीज़ें बड़ी एड ऑन थी आज। एक पिंक बूथ जो हम लगातार लोकसभा के चुनाव से पहले से देख रहे थे वो हमने जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर कंटिन्यूअसली देखे, नंबर वन। नंबर दो, युवाओं के लिए खसूसी पोलिंग बूथ जहां पर युवा ही मतदान करने के लिए आया, युवा ही उन अंदर अफसर भी था, पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, सब कुछ वही था, तो वो अलग से था। तीसरा, जो फिजिकली चैलेंज पीपल PWDs ने हम कहते हैं वो भी एक अलग केंद्र बना हुआ था। और यही वजह है कि कंटिन्यूअसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये नई चीज़ें एड ऑन हुई। और जो बाहर के लोग थे, जैसे हम US की बात करें, जब US अपना इंतखाब करता है तो शायद वहां पिंक व्हाइट और इस तरीके की नहीं है, वहां पर आप जाते हैं वोट करके आते हैं निकल जाते हैं। लेकिन जब आप भारत में देखते हैं चुनाव को देखते हैं तो यहां का चुनाव प्रोसेस जो है वो एंटायरली डिफरेंट चुनाव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर इस तरीके की फैसिलिटियां दी गई। और यही वजह है कि आज आसियान अफ्रीका के जो राजनयिक डिप्लोमेट्स सरकारी विजिट पर यहाँ पर आए थे, इन्होंने ज़रूर इस बात का मुशाहिदा किया कि देखिए बुजुर्ग अगर है वो बाहर आता है तो कैसे चुनाव होता है, बच्चों को और ज़्यादा हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से रूबरू करवाना है, उनको ज़्यादा गेट टुगेदर करवाना है, तो वो कैसे हो सकता है और वेलकम कैसे किया जाता है अपने सीनियर्स का, अपने ओल्ड एज लोगों का, तो वो चीज़ें यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस थी। यही वजह है कि ऑलमोस्ट कटिंग अक्रॉस द लाइन सब ने इसको कहा कि ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये शायद बाहर भी देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखें तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किस तरह का जम्मू कश्मीर का गया है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से भी आरोप लगता था कि कश्मीर के अंदर हालात ऐसे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब यहां 370 को हटाया गया और बार बार बताया गया कि स्थिति पूरी तरह से सही है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से इंटरनेशनल फोर्म्स के डेलीगेट्स कश्मीर आए हों। आपको याद होगा 5 अगस्त के बाद G7 P7 के लोग भी यहाँ पर आए, और फिर हमने देखा कि एक स्पेशल कन्वेंशन श्रीनगर के अंदर हुआ जिसमें दुनिया भर के लोग वहाँ पर आए, और ये कहा गया कि देखिए अब एक नया चैप्टर खुला है। और ये जब ये चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया था, इस चुनाव प्रोसेस शुरू होने से साथ ही चाहे वो US डिप्लोमेट्स थे, चाहे वो UK के डिप्लोमेट्स थे, वो किसी न किसी तरीके से, या जर्मन के थे, वो किसी न किसी तरीके से श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन ली थी और फिर उनका 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ हो, चाहे वो उनका इंटरेक्शन सज्जाद गनी लोन वाली पार्टी के साथ हुआ हो, चाहे और भी पोलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स के साथ उनका जो है वो टेक ऑन हुआ हो या उनके साथ मीटिंग हुई हो। वो मीटिंग दरअसल क्या होती है कि सरकार यहाँ चुनाव कराना चाहते हैं, आप चुनाव के प्रोस्पेक्टिव को कैसे देखते हैं, सरकार यहां चुनाव कर रही है तो आपके मन में क्या है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रियली फल फूल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो फीडबैक को पहले। अच्छा, ये अब जब चुनाव हुआ, इसी में एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, इंटरनेशनली जो पर्सपेक्टिव है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का भी, और इस बार कैंपेन में और हमने देखा कि मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया कि कश्मीर एक इशू है, और आज जब ये तमाम लोग आए तो कहा कि हमने जो अपना पॉइंट रखा था, हमारा टेक है वो बहुत मजबूत है, वो इससे आधिकारिक तौर पर पुष्टि होती है, तस्दीक कर रहे हैं कि इशू है इसलिए लोगों को बाहर से लाया जाता है। देखिए, अब इशू के बारे में अगर आप पॉलिटिकली इसको देखें तो उमर ने तो पहले ही सवाल इस पर उठा ही दिए हैं कि आपने सिलेक्टेड लोगों को लाया और सिलेक्टेड जगह में लाया, कि अगर आप ऐसा होता कि आप लाते और वो एंटायर इस पूरे सेकेंड फेज में जाते, आधे लोग श्रीनगर आते, आधे बड़गाम जाते, आधे गांधरबल जाते, आधे जम्मू प्रोविंस में आते, तो ये लगता कि ये बैलेंस मैच हुआ है, वो नहीं था। सवाल इसलिए इसमें उठे हैं, लेकिन एथेंटिसिटी जो इसकी है वो ये है कि सरकार ने इन्वाइट किया था, या जो आसियान अफ्रीकन देश है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम देखेंगे, सरकार ने वेलकम किया, वो आए, उन्होंने देखा। और शायद जहां तक मेरी याददाश्त सही है, 1996 में भी मैं कवर कर रहा था, मैं बिल्कुल फ्रेशर था उन दिनों, उस वक्त भी
इस तरीके की सिचुएशन थी कि फॉरेन डेलीगेशंस आए थे और बाहर के लोग आए थे। 2002 में भी कुछ डेलीगेशंस यहां पर आई थी और 2014 के इलेक्शंस में जब यह नारा दिया गया था कि अब की बार बिल्कुल शफाफ इंतखाबात होंगे, तब भी फॉरेनर्स आए थे। लेकिन सवाल वही था जो आज सवाल उमर अब्दुल्ला साहब ने पूछा, यह सवाल 2014 में भी था और सन 1996 में भी था। सवाल यह था कि आखिर सिलेक्टेड लोग क्यों, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन सबको आने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। अब याद रखिएगा, यहां पर ही सिर्फ बैरियर्स नहीं है, बैरियर्स लोकसभा इलेक्शंस में भी लगे हैं क्योंकि सरकार के पास कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी थी लोकसभा इलेक्शंस को कवर करने के लिए। उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी दिल्ली के अंदर थे पत्रकार, उन्हें नहीं अलाउ किया गया। तो ये एक सिस्टम है सरकार का कि कैसे कहां किनको लेना है, लेकिन पत्रकारों को नहीं आने दिया, उस पर सवाल उमर ने उठाया। कुल मिलाकर तमाम जो खास विदेशी मेहमानों का आना और विदेशी मेहमानों के आगमन के साथ ही राजनीति का होना भी यहां पर निकलकर सामने आया। क्या कुछ रिएक्शन ग्राउंड जीरो से निकलकर आए, जो विदेशी डिप्लोमेट्स थे आए, उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी और उनके आने के बाद किस तरह की राजनीति छिड़ी, उस पर जरा देखिए। छब्बीस सीटों पर बंपर मतदान की तस्वीर निकलकर सामने आई। शुरुआत में जब हम देख रहे थे कि 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद 9 बजे जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो खुश कर देने वाला नहीं था, लेकिन उसके बाद 11 के बाद एक, एक के बाद तीन, जैसे जैसे दिन गुजरता गया, समय गुजरता गया, उसके बाद आंकड़ा लगातार उछलता रहा। उछलने के साथ साथ ये भी चीज निकलकर सामने आई कि लोगों में किस तरह का उत्साह लगातार बना हुआ है। पहले चरण में जिस तरह से बंपर मतदान की तस्वीर हमने देखी, कहीं कहीं पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ, उसके बाद दूसरे चरण में भी कुछ वैसी ही स्थिति निकलकर सामने आई। गवर्नमेंट का टेक आ गया है, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाजाबता तौर पर 16 कंट्रीज के यानी 16 देशों के राजनीतिकों को बुलाया था, जिनमें US, नॉर्वे, सिंगापुर के ऑब्जर्वर्स थे। उन्हें कहा गया था कि हम जी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवा रहे हैं, 5 अगस्त के बाद यह चुनाव है और चुनाव 10 सालों के बाद भी हो रहा है, इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो आप आके खुद देखिए कि जमीन की सूरत हाल कितनी बदली है और जो इंटरनेशनल फोरम्स पर तकरीरें होती हैं उनमें और जमीन की सूरत हाल में कितना फर्क है। यही वजह है कि ये जो सिलेक्टेड हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेट्स आए हैं, ये दरअसल एक इन्विटेशन थ्रू गया था मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। और इसी बीच किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई वो भी आप देखिए। जब डिप्लोमेट्स आए, चुनाव देखा तो क्या कुछ उन्होंने कहा। इट्स अ प्लेजर, इट्स माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सो इट्स रियली अ प्रिविलेज टू बी इनवाइटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कम एंड विजिट फर्स्ट हैंड टुडेज पोलिंग स्टेशंस बीइंग ओपन। फर्स्ट टाइम हियर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल टू बी अमंगस्ट द पीपल were actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well-organized polling station. And I was happy to see little kids with their parents. You know, the kids are here, even though, you know, they can't vote, but I think they're here to learn from their parents, right, how democracy works. So that was really impressive. I see that people are just excited to vote, and they're bringing children so that they can start learning how the democratic process is. This will be the very good voters later, because they are learning the process when they are still little kids. So this is so fascinating to me. I have never seen this kind of practice before. This is my first time, so it is satisfying. Yeah, this is the pink booth, and there especially it is for women. You know it? Oh, is it? No, but it's but you know the movement of he for she. So I'm supporting women, so I'm okay with it. Yes. What is the experience as you are visiting? This is the second polling booth you are visiting JNK. What is the experience? It's very good. I mean, this is my first time in Srinagar, and it's of course important for us to visit different states and territories in India to see the election and to talk to the people. That's the most important thing. This is your first visit to JNK? Yes, it is. Yes. The organization is very similar to Singapore.
where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful. ये जो क्या मजबूरी थी इनको यहाँ वो आज डेलीगेशन आया है बाहर के ये एम्बेसियों से वो श्रीनगर और बाकी जगहों में इलेक्शन देख रहे हैं क्या जरूरत थी उनको यहाँ लाने की सिवाय ये कि वो यहाँ से एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद मुतमाइन है ये डेलीगेशन जम्मू में क्यों नहीं है ये डेलीगेशन रजौरी पुंछ में क्यों नहीं है इस डेलीगेशन को श्रीनगर भेजने का मकसद ही ये था कि ये आपके मतलब आपके बारे में एक गलत राय बाकी दुनिया में फैलाएं और हमें इस चीज से होशियार रहना पड़ेगा खबरदार रहना पड़ेगा इन्होंने वो लोग मैदान में उतारे हैं जिनका आज सही रूप जो है सही शक्ल लोगों के सामने आ रही के बीच ये तमाम जो फॉरेन डेलीगेट्स थे वो जम्मू कश्मीर आए तो उस समय पहला रिएक्शन आने का मतलब ये था कि बाकी एरियाज के अंदर नहीं गए इस पर भी सरकार जवाब दे अगर यहाँ पर इनवाइट किया गया लेकिन इंटरनेशनली जो पर्सपेक्टिव इसका है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहला बड़ा चुनाव और तमाम लोग यहाँ कम से कम जो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही इंटरनेशनली आप डिफरेंट रिपोर्ट्स के जरिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आएंगे ये तो एक बात थी लेकिन कुछ शिकायतें जो कि स्थानीय स्तर पर भी हमने देखी कि प्रशासन ने बहुत सारी चीज़ें जिनको अपनी जगह ठीक करने की कोशिश की खबर श्रीनगर से जहाँ पर ये आरोप लग रहे थे कि कुछ लोगों की तरफ से वोटरों को चुनाव से ठीक पहले पैसे दिए जा रहे थे और उनसे वोट मांगा जा रहा था पैसे के बदले लेकिन श्रीनगर के अंदर प्रशासन के मुताबिक रणबीरगढ़ और जैनाकोट के इलाकों में न सिर्फ ये जो घटना घटी थी इसका खंडन किया बल्कि पुलिस प्रशासन को सिविल अथॉरिटीज ने कहा है कि वो FIR उन तमाम लोगों के खिलाफ लगाएं जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर ये गलत अफवाह फैलाई है कि रणबीरगढ़ और आसपास के इलाकों में मतदाताओं को पैसे दिए जा रहे थे इशफाक देखिए बिल्कुल जब हम इसको देखें कल रात देर गए थी ये सोशल मीडिया पर काफी खबरें गर्दिश कर रही थी कुछ वीडियोस को भी वायरल किया गया था जिसके बाद बाजाबता तौर पर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की नोटिस में ये पूरा मामला चला गया था और आज एक तरफ से जहां श्रीनगर के अंदर पोलिंग चल रही थी वहीं दूसरी तरफ से इन तमाम वीडियोज और इन तमाम अफवाहों और खबरों की तहकीकात भी हो रही थी और एट द एंड ऑफ द डे की तरफ से उसमें यह साफ कर दिया गया है कि ये तमाम एलिगेशंस थी इनमें कोई भी सदाकत नहीं थी और यही वजह है कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी बिल्कुल बड़ा बयान जहां पर रणबीरगढ़ और जैनाकोट में पैसे बांटने का बयान सामने आया है मतदाताओं को पैसे बांटने की घटना का खंडन भी किया गया है तस्वीरें भी आई थी और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई थी चुनाव आयोग की तरफ से भी सख्ती से इन चीजों का नोटिस लिया गया 1000 से ज्यादा शिकायतें मिली हमने देखा कई सरकारी जो कर्मचारी थे उनको भी हटाना पड़ा जब जब शिकायतें मिली लेकिन चूंकि ये वाली जो खबर थी इस पर काफी ज्यादा श्रीनगर प्रशासन को हमने देखा कि टारगेट किया जा रहा था जिस पर ये बयान जारी करके न केवल कहा कि अपने स्तर पर हमने क्या किया बल्कि ये भी बताया गया कि पुलिस अथॉरिटीज इस पर काम करेंगी आज जब चुनाव की बात हो रही है तो आप जरा दिन में क्या कुछ अलग अलग जगहों पर हुआ 239 जो प्रत्याशी आज मैदान में थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में इनकी चुनावी किस्मत का फैसला या यहां से आगे किसका पॉलिटिकल करियर कैसे चलेगा यह आज EVM में बंद हो गया है शाम होते होते जो आंकड़े सामने आए कहां पर कितनी परसेंटेज कहां पर कितनी पोलिंग हुई वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और शुरुआत इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेकेंड फेज के तहत या दूसरे चरण में जो वोटिंग हो रही थी उसमें कुछ एक जगहों को छोड़कर शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव एक तरह से संपन्न हो गया है बहुत आप देखिए दूसरे चरण का जो चुनाव है बंपर वोटिंग के तौर पर ही संपन्न हुआ है क्योंकि मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें नजर रही और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है ये बड़ी बात आज देखने को मिली है क्योंकि जिस तरह से बंपर वोटिंग आज दूसरे चरण में हुई है ये देखते ही बन रहा था और सबसे बड़ी लोकतंत्र की मिसाल आज जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब हुई है जिसमें आप देखिए 6 जिलों के अंदर 26 सीटों पर यह चुनाव हुआ है और मतदान केंद्रों पर जब वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे थे जब उनसे बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए आज अपने वोट को कास्ट किया गया है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर काम करने की जरूरत है हेल्थ सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर वोट डाला गया है और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने की बात हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हुई है आज जो युवा बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकला है लंबी लंबी कतारों में देखा गया इस बीच में महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आज वोट बैंक लगातार बढ़ता चला गया वोट शेयर के तौर पर अगर देखा जाए ये तो 8 तारीख को यहाँ पर सामने आएगा कि आखिर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें और कितने वोट शेयर के तौर पर यहाँ वोट जो है वो गया है लेकिन फिलहाल जो जमीनी सतह पर आज तस्वीरें देखने को मिली है वो एक लोकतंत्र की मिसाल
साल कायम एक लाख से अधिक ऐसे लोग थे 18 से 19 साल जिनकी उम्र पहली बार जिनने आज वोट डाला है। 100 साल के बुजुर्ग भी हमने वोट डालते देखे और 75 या 85 साल के बुजुर्ग महिलाएं अलग अलग जगहों पर वोट डालने के लिए जिनके लिए व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। इनमें ग्रीन पोलिंग स्टेशन थे, पिंक पोलिंग बूथ थे जहां पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो इंतजाम थे वो किए गए थे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 26 सीटों के लिए 25,78,000 से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स थे। अब इनमें टोटल पोल परसेंटेज है वो अलग अलग करके हम आपको दिखाएंगे कि 25 लाख से ज्यादा वोट तो नहीं पड़े लेकिन जितने पड़े वो मैक्सिमम एरियाज के लिए शायद हौसला अफजाई भी बहुत सारे इलाकों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ECI की बात है या स्थानीय स्तर पर प्रशासन की। मैक्सिमम एरियाज जहां पर हमने ये भी देखा कि कभी बॉयकॉट कॉल, कभी हमने देखा हालात खराब, उसका भी एक असर रहता था और इस बार यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर में बार बार ये हवाला जो सरकार की तरफ से दिया जाता रहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुई तो लोग खुद को सुरक्षित महसूस करके बाहर निकले हैं। अलग अलग 26 सीटों पर जहां पोल परसेंटेज क्या रही कि उसकी तरफ इससे पहले हम जाएं, शुरुआत जरा सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर से करेंगे। इशफाक हमारे साथ हैं। इशफाक, वो एरियाज डाउनटाउन और आसपास के इलाकों में आज क्या होना था, शायद ये 5, 7 या 10, 15 दिन पहले साफ हो गया था। जिस हिसाब से हम कैंपेन देख रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियां रैलियों पर कम फोकस किया गया, रोड शोज पर कम फोकस किया गया, लेकिन घर घर जाकर और रात के वक्त में चुनावी जनसभाएं और रैलियां होना ये अपने आप में शायद बड़ी बात और बदलाव था। देखिए, मैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उसके एन मुताबिक दिखा नहीं, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट फेज में देखा था और मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक ब्रिस्क वोटिंग होगी, एक कंप्रेंसिव वोटिंग होगी, वो यहाँ पर मुझे दिखी नहीं, नंबर एक। नंबर दो, फिर जब आप शहर और देहात की बात करते हैं तो हमेशा ये देखने को मिला है कि सिटी के अंदर वोट परसेंटेज कम होता है, लेकिन जब आप एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, गांव के अंदर चले जाते हैं, टाउन्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अब की बार वो चीज़ भी उतनी ज़्यादा विजिबल नज़र नहीं आई। तीसरी बड़ी बात, जब आप श्रीनगर शहर की बात करते हैं तो अगर हम शुरुआत हजरतबल से करते हैं जो एक साइड पर है, यहाँ पर हमेशा वोटिंग जो थी एक नॉर्मल वोटिंग हुआ करती थी और इस उम्मीद के साथ वोट हुआ करता था कि हर साल ये उम्मीद लगी थी कि सबसे ज़्यादा होंगी। लेकिन जब हम कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो अच्छे खासे कैंडिडेट हमारे हर एक असेंबली सेगमेंट में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज जो है वो उतना बड़ा नहीं जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। श्रीनगर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, तकरीबन 13 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इस असेंबली सेगमेंट के अंदर आए थे और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां पर पोल जो है वो तकरीबन 30,000-35,000 से ऊपर वोट पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो हमारे पास फिगर्स आए हैं वो उतने नहीं है। इसलिए मुकाबला यहां पर इंतहाई सख्त हो गया है बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियां शाम को दावा करती हुई नजर आई कि हमारे वर्कर सबसे ज्यादा बाहर आए, उन्होंने जीता। फिर आप जिस तरह से साथ आपने हजरत बल का नाम लिया, आशिया नकाश जो कि PDP पार्टी से ताल्लुक रखती थी 2014 में वहां से जीत कर सामने आई थी, लेकिन इस बार जब हम श्रीनगर की बात करते हैं, पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को जब हम देखते हैं जिसमें ईदगाह है, खान्यार है, छानपुरा है, चादीबल है, लाल चौक है, सेंट्रल शालटेन का इलाका है, हजरत बल है, हब्बा का दल है, हब्बा का दल में आज सबसे ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है, सबसे कम वोटिंग देखी गई है। यही बात कर रहा था कि हब्बा का दल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो डोमिनेटेड रही है कश्मीरी पंडितों के साथ और वहां पर हमेशा कोई ना कोई, जब भी इलेक्शन हुए हैं तो कश्मीरी पंडित जीत कर आए हैं, अक्सर मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स पर वही हुआ है। अब की बार क्योंकि वहां एक नया परिसमन बना, नए इलाके आए, पुराने इलाके कटे, लेकिन वहां पर पोल परसेंटेज जितना हुआ है वो एज पर एक्सपेक्टेड लाइन था, उससे ज्यादा वहां पर नहीं बढ़ सकता था क्योंकि वहां की जो टोपोग्राफी और आबादी है वो एंटायरली डिफरेंट है, वो दिन में काम करते हैं, शाम को खाते हैं, इस तरीके की सूरत हाल है। कि क्या सिर्फ ये जो परिसीमन के बाद स्थिति थी कि भाई आप जो कैंडिडेट थे उनके जो परंपरागत वोटर्स थे वो छिटक गए, नए वोटर्स को कॉन्फिडेंस में लेना भी बहुत बड़ी चुनौती थी, तो सिर्फ वो इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहा या फिर इस दूसरे चरण के तहत 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी परिसीमन के बाद जो क्रिएट की गई उन सब में ऐसी स्थिति बनकर सामने आई? एंटायर श्रीनगर में सिचुएशन यही है, श्रीनगर शहर की जब आप बात करें, जब आप शहर से बाहर आएंगे तो आपको एंटायरली सिचुएशन चेंज नजर आएगी। शहर में हमेशा वोट परसेंटेज कम होता है, लेकिन एज कंपेयर टू 2014 as compared to 2002
आज के मामले में एंटायरली डिफरेंट पोजीशन है, वो ये है कि पोल परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। जहां 2% 3% आप खानियार में देखते थे 8% तक जाता था, वो एंटायरली अप हो गया है। इसी तरीके से जो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसका जिक्र अभी आशा भी कर रही थी, ये कुछ नए इलाके आए, कुछ पुराने इलाके कटे, लेकिन हाई प्रोफाइल होना और बाइकॉट वाली कॉल्स वहां पर चलना, अब की बार ये चीजें नहीं थी। लेकिन तब भी जब आप देखेंगे 96 के मुकाबले में 2002 2014 का जब आप पोल परसेंटेज देखेंगे, तो यहां पर भी आपको अप्रोक्सीमेटली एक शिफ्ट लगेगा, बड़ा हुआ नहीं दिखेगा। वोट बड़ा है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बड़ा है, डाउन हुआ आज श्रीनगर का। लेकिन जो उम्मीदें मेरी थी कि शायद नौजवान बड़े पैमाने पर आकर इंटायर पोलिंग बूथ्स पर दिखेंगे, श्रीनगर के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिला, शहर के अंदर। लेकिन जूनियर